रुद्रसेना के अध्यक्ष राकेश उत्तराखंडी के नेतृत्व में शनिवार को एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हुई घटना की वह कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और पत्रकारों पर इस तरह की बर्बरता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने राज्यपाल से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा नदी खालों में और पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे प्रशासन तुरंत खाली करवाए वरना हल्द्वानी की तरह घटना घटित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर में 100 बीघा जमीन पर वन गुजरों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिनको जिहादियों द्वारा शरण भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से जल्द ही अतिक्रमण हटाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि राकेश उत्तराखंडी जिहादियों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ये आप आपने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि प्रदेश के अंदर जो आज हालात बने हुए हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो हिंदुओं पर अत्याचार होता था, बहन बेटियों पर अत्याचार होता था, गोकसी होती थी, इसमें की तस्करी जिहादियों द्वारा की जाती थी। लेकिन आज प्रदेश के अंदर अब पुलिस और पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। हल्द्वानी की घटना किसी से छुपी नहीं है और विश्व के पटल पर सभी ने देखा है। दुख इस बात का है कि लगातार विदेशी और इस्लामिक ताकतें उत्तराखंड में पैर जमाकर हम लोगों को परेशान कर रही है और नेशनल टाइपोग्राफी चेंज करने का काम कर रही है। कुछ मुस्लिम संगठन सीधा कहते हैं, देहरादून का मैं एक मुस्लिम संगठन का बयान सुन रहा था कि अवैध तरीके से जितनी भी मस्जिदें, मदरसे या फिर कोई भी व्यक्ति बसा हुआ है, इसको ना छेड़ा जाए अन्यथा हम तुम्हें देख लेंगे। यह सीधी सीधी जो धमकी देने की बात है, सभी लोग ध्यान और कान खोल कर सुन लें। यह उत्तराखंड है और हमारी जन्मभूमि है। हम ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10-15 साल के अंदर बाहर से आए हुए जो ये जिहादी है, अपनी फनों को बंद कर दें, अन्यथा यदि उत्तराखंड का युवा जाग गया तो ठीक बात नहीं है। हम अपने अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। कोई यहाँ पे आया है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत व्यक्ति विशेष में कोई हमें परेशान करेगा तो उत्तराखंड का व्यक्ति, हर एक उत्तराखंडी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। पत्रकारों पर हमला हुआ, पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, क्या कहना चाहते हो भाई? साथ में पुलिस पर हमला हुआ, बहन बेटियों पर हमला हुआ, क्या जताना चाहते हो? कल मैं एक स्टेटमेंट, एक जिहादी का इंस्टाग्राम पे स्टेटमेंट देख रहा था कि हर घर से मुजाहिद निकलेंगे। तुम कितने मुजाहिदों को रोकोगे? ये आतंकवादियों की भाषा बोलना बंद करें, अन्यथा क्षेत्र से अब आर्थिक बहिष्कार भी हो चुका है। मैं सभी से लोगों से निवेदन करता हूँ, ग्राम पंचायत जो नियम बनाती है, प्रधान जो नियम बनाती है, उसे प्रधानमंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी मानना पड़ता है। आज ये है, कल कोई और होगा परसों, लेकिन समाज में इनको गांव में ना आने दिया जाए। और ग्राम प्रधानों से भी निवेदन है, तत्काल इनका बहिष्कार करें। कभी हमारी बहन बेटियां भगा के ले जाते हैं, कभी इसमें की तस्करी कर रहे हैं, कभी अवैध कृत्य कर रहे हैं। और रोड़ों पे मैं विभाग से भी निवेदन करता हूं, ये रोड़ों पे नंगा नाच बंद करें। कोई नारियल पानी, कोई फल फ्रूट के ठेले के नाम पे, कोई कुछ कहीं, कोई रामपुर से, कोई मुजफ्फरनगर से, कहां कहां से आके बसावट कर रहा है। बंद करें इस ड्रामे को, बाद में रोना रोएंगे, बाद में आप लोगों के ऊपर हमला होगा। ये ठेले, रेडी पटरी है, रोड़ों से हटाएं तत्काल प्रभाव, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आएगा और जो भी कर्मचारी आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उत्तराखंड है, ये मुल्ला मौलवियों का प्रदेश नहीं है, ये बद्री केदार की भूमि है। और कोई यदि यहाँ हमारे तरीके से रहता है तो ठीक है, अन्यथा वो अपने प्रदेश जा सकता है। कोई यहाँ तमीज से रहे, लेकिन यदि प्रशासन पर, पुलिस पर, पत्रकारों पर कोई हमला करेगा तो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। रोडों के किनारे, सड़क के किनारे, नाले और जंगलों में अवैध बसावट है। जिन लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनके वोटर आई डी बनाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। मैं माननीय राज्यपाल से निवेदन करता हूँ, महामहिम महोदय, अब आपको देखने की आवश्यकता है। हम लोग रात दिन परेशान है, माइकों की आवाज़ इतनी तेज है, क्यों भाई? हमें नहीं चाहिए किसी का। कोई कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई मानने वाला नहीं है, क्या हमारा राम मर गया या कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान हो रहा है? हमें नहीं सुनना किसी का, कोई मतलब नहीं है। बंद करें मामले को, जिसको सुनाना है उसको सुनाए, लेकिन ये माइक बंद करें। हमें हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। माननीय एसडीएम महोदय से भी निवेदन कर रहा है
कि इस मामले को पूरे क्षेत्र से बंद करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी धर्म से, लेकिन जो हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएगा, आज नहीं कल नहीं मरते दम तक बात उठाते रहेंगे। बोलो भारत माता की जय। साथ में जौनसार भावर में 1,000 बीघे जमीन में कब्जा हुआ और धीरे धीरे कोई खान पटवारी आया, उसने इनके नाम विधिवत तरीके से जमीन नाम लगा दी। वहाँ पे डेवर कमीशन है, लोग जमीन भी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ इस्लामिक संगठन जानबूझकर मुस्लिम बन गुजरों को जौनसार में बसा रहे हैं और उनका विधिवत तरीके से कागजात बनाकर, वोटर आईडी बनाकर, वहाँ राशन कार्ड बनाकर, यहाँ तक कि किसान पेंशन लगाकर, प्रधानमंत्री आवास और ना जाने क्या क्या बनाकर उनको ईसाई करने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं धनराज की बात करूँ, जमीन ही नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया। तत्काल प्रभाव से ये नंगा नाच बंद करें प्रशासन, और इनको जो है बाहर करने का काम करें। हमारे घर में किसको आना है किसको नहीं आना है हमारे अधिकार है। यदि मैं पत्रकार महोदय से बताता हूँ, ना जमीन ली, ना पैसा दिया, ना पैसा ना खरीदा, ना किसने दी, थोड़ी देर तक वहाँ पे आए, चुपचाप से बसे और प्रॉपर तरीके से जो है नाम लगा दिया। आखिर ये क्या है भाई? इसलिए महामहिम महोदय, पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी अवैध तरीके से बस्तियाँ हैं, तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए, कल के दिन कहीं और जगह हल्द्वानी ना बने। इसलिए शासन प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए इन जिहादी ताकतों को ध्वस्त करने का काम किया और अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया। विकास नगर हो, पूरे प्रदेश हो, मैं चाहता हूँ कि चिन्हित करके जहाँ जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान रहे उन लोगों को भी, उन बस्तियों को खाली किया जाए और जहाँ से वो आए वहीं खदेड़ा जाए। हमारे प्रदेश में कोई लंगर नहीं बन रहा है, कोई भी आएगा यहाँ और अवैध अस्थायी हो जाएगा। इसलिए भू कानून की मांग भी हो रही है कि तत्काल प्रदेश में भू कानून लागू किया जाए। जी धन्यवाद। विकासनगर से दैनिक भास्कर संवाददाता महेश रावत की रिपोर्ट।